Hello, hi everyone. I hope you all must be doing very good. Right? So, the prelims 2021 20, results are out, and many congratulations to the ones who have cleared and to the ones who could not. Please don't be disappointed. Right? And <clears throat> from the PSIA club, more than 11 students have cracked uh, the prelims. Right? And there was one story which I'll be sharing with you, right? Uh, about a girl, right?

उससे वो एट्टी से इट गॉट कन्वर्टेड इन टू परहैप्स नाइनटी नाइनटी टू एंड कट ऑफ आई थिंक इतना ही रहा है तो वट डू आई मीन बाई दिस इज दैट यू शुड नेवर लूज होप देखिए होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए आपको राइट right. एंड तो ये मुझे खैर आपको यहाँ पर बताना था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैसेज uh, आया दैट सा तो नहीं हुआ ठीक है तो वॉट शुड बी डूइंग राइट एंड तो क्या करें हम इसमें राइट right. तो देखिए जिनका भी नहीं हुआ है राइट तो फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट वॉट इज रिक्वायर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड देखना पड़ेगा कि वॉट वेंट रॉन्ग राइट एंड ऐसे भी देखिए क्वेश्चन आए सर आई हैव गिवन मल्टीपल अटैम्प मेरे दो तीन अटैम्प्ट हो चुके हैं आई एम नॉट एबल टू क्रैक फिल्म चार अटैम्प हो चुके हैं राइट एंड शुड आई बी चेंजिंग द एन ऑल्टरनेटिव कैरियर राइट इस टाइप का देखना चाहिए तो उस पर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात जिसका भी अभी नहीं हुआ है राइट एंड अगर आपने बहुत सारे मल्टीपल अटैम्प्ट देते ही जा रहे हैं तीन चार अटैम्प्ट आपके हो चुके हैं एंड इफ़ यू आर यंग यंग इन द सेंस आपने 20 से देना एग्जाम स्टार्ट किया एंड 24 तक आ चुके हो होंगे आप तीन चार अटैम्प दे चुके हो ठीक है एंड इफ यू फील दैट यू आर बीइंग सैचुरेटेड तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ ब्रेक एंड ब्रेक आप लेके परहैप्स आप कोई एक ऑल्टरनेटिव करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं बट आई डोंट मीन टू से दैट डोंट कम बैक टू दिस Perhaps you यू कैन कम बैक a अ stage. एज किया ट्वेंटी एट से नेक्स्ट तीन अटैम्प दे सकते हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी या थर्टी थर्टी वन थर्टी टू राइट तो एज तो कम नहीं हो रही तो आप तीन चार साल आप कोई और करियर को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस राइट पर हैप्स यू कैन गो फॉर एन एम बे परैप्स यू कैन गो फर एनी काइंड ऑफ जी आर ई वगैरह अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को देख के राइट right? तो कभी कभी क्या होता है ना समाइम्स टेकिंग अ ब्रेक हेल्प्स राइट तो जैसे गौरव अग्रवाल सर है राइट right? अगर आप देखो तो उन्होंने फर्स्ट पहले वर्ल्ड में जॉब करी देन लेटर ऑन एम बी ए वगैरह एंड देन लेटर ऑन थर्टी थर्टी वन में स्टार्ट करके उन्होंने निकाल लिया राइट right? तो ये चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिए रही बात कि जो लोग अब आगे नहीं हो पाया बट दे स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू द प्रिपरेशन तो देखिए द बेस्ट एडवाइस आई विल बी गिविंग यू इज़ कि आप अभी मेन्स की ही तैयारी करें अज्यूम क्या आपका हो गया राइट अज्यूम क्या आपका हो गया एंड यू आर राइटिंग द मेन्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी राइट तो उसी हिसाब से तैयारी करें एंड द बेस्ट वे इज़ To join a proper test series, आप एक proper test series को join करें answers लिखें evaluate करवाएं feedback लें work करें right? ठीक है तो इससे क्या होगा आपकी continuity maintained रहेगी right? ठीक है and specifically mains का पढ़ें भले ही आपका प्री अभी नहीं हुआ है ठीक है but mains का पढ़ें and अगर आपका सी सैट की वजह से नहीं हुआ है then you should be working on सी सैट फ्रॉम नाउ तो अभी आप मेन्स का पढ़ें एंड रात में पढ़ें आपसे एक घंटा डेढ़ घंटा आप सी सैट को भी देना स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये देखिए जिनका भी नहीं हुआ है एंड इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर अगेन तो दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग राइट बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनका तीन बार चार बार पांच पांच बार प्री नहीं होता एट स्टिल दे क्रैक इट द एग्जाम ठीक है पूरा का पूरा एग्जाम निकाल लेते हैं एक बार में तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ है सर आई हैव ओनली टू अटैम्प्ट लेफ्ट आई हैव ओनली थ्री अटैम्प्ट लेफ्ट बाई यू रिक्वायर जस्ट वन अटैम्प्ट टू क्रैक राइट सो गिव दिस योर हार्ट पूरा का पूरा इसको दे अच्छे से दे प्रॉपर वेल रेगुलेटेड मैनर में देखिए यहाँ पे यू शुड बी प्रिपेयरिंग अगेन राइट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स जो भी आपसे गलती हुई है ठीक है लेटर से आपने एन नहीं पढ़ी आपको लगा यार एन पढ़ना चाहिए था तो एन इस बार पढ़ें ठीक है आपको लगा यार मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी राइट सो आंसर राइटिंग करें राइट सो वट एवर वेंट रॉन्ग दिस इज़ द राइट टाइम टू रेक्टिफाई द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट एक पूरे साल बाद क्या यू आर स्टिल स्टक एट द सेम प्लेस वही गलती आप बार 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 कर रहे हो तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे दिस इज़ वॉट दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट राइट यू हैव टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव अगर आपको इस एग्जाम में एज करना है और किसी और से नहीं अपने आप से राइट यू योर सेल्फ आर द कॉम्पिटिशन सिंपल कल आप जो थे क्या आवाज उससे अच्छे हो रहे हो या नहीं राइट right? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है सो मीस ओरिएंटेड ही आपको यहाँ पे तैयारी करनी है प्रॉपर आप ये दिस इज द राइट टाइम टू राइट एन एस ए राइट दिस इज द राइट टाइम टू टू राइट एथिक्स राइट दिस इज द राइट टाइम टू राइट योर ऑप्शनल जो भी आप जिसमें भी वीक है राइट दिस इज वॉट यू शुड बी गोइंग अबाउट एंड दिस शुड बी डन टिल जनवरी जनवरी के बाद है धीमे धीमे आप प्रेलम मोड में अपना स्विच हो जाएंगे क्योंकि प्रेलम्स इज नॉट ओनली अ जोक ठीक है तो ये यहाँ पे जाना कि जिनका हुआ है मीन्स तो दे नो इट राइट वो लोग तो आप तैयारी करेंगे ही राइट right? वो तो ना चाहते हुए भी पढ़ेंगे राइट right. उनका तो मन नहीं भी कर रहा होगा स्टिल दे हैव टू राइट क्योंकि भाई अब एग्जाम देना है राइट right. तो वो मीन्स की स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज़ में प्रॉपर वेल इवेलुएटेड मैनर में प्रॉपर सॉरी वेल टाइमली मैनर में उसको टेस्ट करें एंड इवेल्युएट करवाएं एंड अपना फीडबैक वहाँ पर लें सो आई फील दिस इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग ठीक है जिसको भी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है स्पेशली ट्वेंटी टू के लिए तो दे शुड ऑल्सो भी प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स एंड यहाँ पे कोई टेस्ट सीरीज का माध्यम से आप क्या कर सकते हैं यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एक टाइम बाउंड मैनर में आपके डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स यहाँ पे पूरे होते रहेंगे ठीक है सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यस वी आर ऑल्सो कम अप विथ आवर पेपर टू क्रैश कोर्स सो इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो फॉर द पी एस आई और ऑप्शन कम्प्लीट पेपर टू क्रैश कोर्स तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम इन द रनभूमि प्रोग्राम रणभूमि प्रोग्राम में आप आ सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द पी एस आई आर क्लब टू एनरोल राइट एंड वी ऑल्सो हैव अ फाउंडेशनल बैच जो अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली अक्टूबर में फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच विल बी एंडिंग इन जैन तो अगर आपको लगता है कि पी एस आई आर आप कभी नहीं कर पाए थे तो दिस इज़ द राइट टाइम अभी आप अपने ऑप्शनल पर फोकस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है तो चलिए थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय